अगली खबर की ओर करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है इंदौर से। सुली डील ऐप केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। ऐप क्रिएटर ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इंदौर के राजेंद्र नगर थाने इलाके से गिरफ्तार किया है। बीसीए का छात्र है ओमकारेश्वर ठाकुर। बुलीबाई ऐप केस में आरोपी नीरज, जिससे पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है, पूर्व में दिल्ली में अरेस्ट हुआ था। आरोपी नीरज ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने का मामला है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है अमरोहा से। शातिर चोर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से चोरी के चार बाइकें बरामद की गई हैं। दो तमंचे और दो कारतूस भी जब्त किए गए हैं। बाइक चोरी का दूसरे जनपदों में वाहन बेचते थे। गजरौला थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। शातिर चोर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आरोपी से चार चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। दो तमंचे और दो कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। बाइक चोरी का दूसरे जनपदों में ये वाहन को बेचता था। गजरौला थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा, सर्वे के आधार पर मुआवजा मिलेगा, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कई गांव और कुछ जिलों में बारिश हुई है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। जहां जहां फसलें बर्बाद हुई हैं तत्काल सर्वे किया जाए, क्षति का आकलन कर राशि देने की भी व्यवस्था की जाएगी, फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। तो ये साफ कर दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है चिंतित रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और एक बार फिर जब किसानों की फसलें बारिश के कारण खराब हुई हैं तो मुआवजा देने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। सर्वे के आधार पर मुआवजा मिलेगा, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कई गांव और कुछ जिलों में बारिश हुई, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिस कारण से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, और अब ऐसे किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाएगा। जहां जहां फसलें बर्बाद हुई हैं वहां का सर्वे कराकर क्षति का आकलन कर राशि देने की व्यवस्था की जाएगी, फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जहां जहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन किसानों को सर्वे कराकर, खराब फसलों का सर्वे कराकर, उन क्षेत्रों का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बारिश और ओलों का जो दौर चला उसमें काफी सारे किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो गई, काफी नुकसान यहाँ जो है देखने को मिला है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और कोई भी व्यक्ति ऑफिस, कोई भी अधिकारी ऑफिस में बैठा ना रहे और फील्ड पर दिखाई दे, इस तरह का बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। उसके बाद आज निर्देश जारी किए हैं जहाँ जो भी जो फसलें बर्बाद हुई है उनका तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, क्षति का आकलन किया जाए, ये आदेश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं, और आकलन के बाद किसानों को राहत राशि देने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जिस तरह से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो जाए, और साथ में फसल बीमा योजना है उसका भी लाभ किसानों को मिल सके, उसके भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। और साथ में किसानों से अपील की है कि संकट के समय में मैं उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ खाने में और उनको आश्वस्त यहाँ पर करते नजर आए मुख्यमंत्री जी। जी शुक्रिया नीरज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल किसानों के नुकसान की भरपाई का आश्वासन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया।